गुड मॉर्निंग गाइस, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप लोग भी ठीक होंगे। गाइस, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, सुबह हो चुकी है और वही सुबह का रूटीन, जो सुबह का रूटीन होता है, पहले चूल्हा जलाना, उसके बाद झाड़ू लगाना। क्योंकि चूल्हा इसलिए पहले जलाती हूँ, तब तक झाड़ू लगाती हूँ तब तक चूल्हा मेरा जल जाता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं चूल्हा जला चुकी हूँ, उसके बाद ही झाड़ू लगा रही हूँ। झाड़ू तब तक लगेगा तब तक मेरा चूल्हा भी जल जाएगा। गाइस देखिए, गाइस जब तक मैं झाड़ू लगा रही थी तब तक मेरा चूल्हा जल चुका था, तो इसलिए मैं अब चूल्हे को मिट्टी से नीप दे रही हूँ। चूल्हा इसलिए नीप देती हूँ, गाइस मैं खाना बनाती तो दाल या चावल का पानी गिरता है तो दागी हो जाता है, और चूल्हा मिट्टी से नीप देने से सुंदर भी लगता है और दिखने में भी अच्छा लगता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मेरा चूल्हा भी जल चुका था और मैं नीप के उसके बाद चूल्हे को अंदर ला के मैं नाश्ता बना रही हूँ। पहले मैं रोटी बना ले रही हूँ, क्योंकि बच्चा लोग भी स्कूल जाएगा, मेरे हस्बैंड भी ड्यूटी जाएंगे और मैं भी जाऊँगी आंगनबाड़ी, इसलिए सुबह उठना पड़ता है। सुबह जितना जल्दी उठती हूँ उतना जल्दी ही काम हो जाता है, और अगर कभी काल लेट हो जाता है गाइस तो बहुत दिक्कत हो जाती है, सिर्फ नाश्ता ही बना पाती हूँ। और जिस दिन जल्दी उठती हूँ उस दिन नाश्ता और खाना दोनों बन जाता है, तो आसान भी रहता है उधर से आने में। गाइस मेरा रोटी बन चुका है, अब मैं सब्जी बना रही हूँ। सब्जी बन जाएगा उसके बाद मैं हस्बैंड को नाश्ता दे दूँगी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, नाश्ता भी बन चुका है, रोटी भी बन चुका है और सब्जी भी बन चुका है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं हस्बैंड को नाश्ता दे रही हूँ, उसके बाद बच्चे लोग का टिफिन दे के उसके बाद मैं काम करूँगी। गाइस जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ठंड का मौसम चल रहा है, तो इसीलिए मेरे हस्बैंड चूल्हे के पास ही नाश्ता कर रहे हैं, क्योंकि ठंड है सुबह सुबह, तो इसीलिए चूल्हा जलाती हूँ, चूल्हा के पास ही नाश्ता कर लेते हैं और हाथ उथ सेक के उसके बाद ही ड्यूटी जाएंगे। सुबह है तो ठंड लगेगी ही, इसीलिए चूल्हे के पास ही नाश्ता कर रहे हैं। गाइस तब तक मेरे हस्बैंड नाश्ता करेंगे, तब तक मैं नहाने जा रही हूँ, नहा के उसके बाद हमको भी जाना है, इसलिए मैं नहाने जा रही हूँ। तब तक मेरे हस्बैंड नाश्ता करेंगे, तब तक मैं नहा लूँगी, नहा के बाद ही मैं नाश्ता करके उसके बाद आंगनबाड़ी जाऊँगी। देखिए गाइस मैं आ गई हूँ अब आंगनबाड़ी, आंगनबाड़ी में मैं बच्चों लोग को पढ़ा रही हूँ, और देखिए मेरे यहाँ मेरे आंगन में कितने छोटे छोटे बच्चे। और ख़ास बात ये है गाइस, मेरे आंगनबाड़ी में बहुत ही गरीब बच्चे आते हैं जो सिर्फ पढ़ने खाने ही आते हैं, और इतने छोटे गरीब इन लोगों को आंगनबाड़ी मेरा बहुत छोटा है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं घर पर ही आंगनबाड़ी के बच्चों लोग को खिलाती हूँ, मेरा आंगनबाड़ी बहुत छोटा है तो दिक्कत हो जाता है। गाइस बच्चे लोग अब खा लिए हैं, इसीलिए मैं हाथ धुला दे रही हूँ, बस हाथ उन लोग को हाथ धुला के उसके बाद मैं छुट्टी कर दूँगी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, बच्चे लोग खाना खा लिए थे तो इसीलिए मैं खाने खिला के उसके बाद मैं उन लोगों का हाथ धुलवा दे रही हूँ। उसके बाद हाथ धोने के बाद बच्चे लोग को छुट्टी कर दूँगी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, देखिए मेरा यही मेरी डेली का रूटीन है। गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कमेंट भी कीजिएगा। गाइस मेरा वीडियो आप लोग का कैसा लगा, और सपोर्ट भी कीजिएगा।